आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर है वो बोया का माइक। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही है वो मेन माइक जिसे हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने जो मंगाया था अमेजोन से बोया कंपनी का माइक वो मेरे पास आ चुका है। और फ्रेंड्स मैं जो इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो हमें क्या क्या मिलता है और कैसे आपको इसे यूज़ करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा माइक परचेस करना चाहते हो तो मेरी वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, मैं इसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस करके यहाँ पे ऑल कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये जो माइक है ये मैंने मंगाया है अपने यूट्यूब की वीडियो शूट करने के लिए। अगर आप इस माइक से शूट करते हो अपनी वीडियो तो आपको जो वीडियो की वॉइस जो है वो अच्छी क्वालिटी में मिलती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं अपनी वीडियो के अंदर जो इस माइक का यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस माइक को जो है परचेस करना चाहते हैं तो उससे पहले आप मेरी वीडियो जो है पूरी एंड तक देख लीजिए। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और ये माइक जो है हमें किस तरह से मिल जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपके पास ये बॉक्स आ जाता है माइक का तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है ये स्क्रैच कोटिंग जो है यहाँ पे होना चाहिए, ये स्क्रैच किया हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह से जो है आपको स्क्रैच करने के लिए मिलना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको ये यूज़ करना है। या तो यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ मिलता है तो आपको जो ये यूज़ किया हुआ मिलेगा माइक, तो आपको ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस माइक को जो है आप फ़ोन में चला सकते हैं, टैबलेट में चला सकते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने कैमरास में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपको पूरी डिटेल मिल जाती है इस डायरी में कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, कैसे सेट करना है अपने माइक को, तो पूरी डिटेल इस डायरी में आपको सब मिल जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर है वो बोया का माइक। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही है वो मेन माइक जिसे हमारा वॉइस रिकॉर्ड होता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा है मेन माइक जिससे अपना वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होता है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपको 20 फीट की इसके वायर आपको मिलती है, इस माइक से जो है आपकी वॉइस जो है ये 20 फीट से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आपको 20 फीट की यहाँ पर वायर मिल जाती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमें मटेरियल दिया गया है छोटा छोटा, तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर जो है एम्पलीफायर में भी हम इस माइक को चला सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो है क्लिप है जहाँ पे हम माइक सेट करके अपने शर्ट पे लगा सकते हैं, तो इस तरह से जो आपको इसके अंदर पिन मिल जाती है। और ये आपको मिलता है सेल जो कि यहाँ पे इस माइक के अंदर यहाँ पे हमें लगाना होता है। और फ्रेंड्स ये है माइक के ऊपर का कवर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो माइक है हमें इस तरह से यहाँ पे इसे सेट करना होता है, तो मैं सेट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे यहाँ तक जो है आपको सेट कर देना है इस तरह से। और फ्रेंड्स आपको जो है इस सेल को सेट करना है अपने माइक के अंदर।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका ये जो सेल है ये आपको यहाँ पे जो है आपको सेट कर देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से जो है आपको ये माइक मिल जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे कैमरे से शूट कर रहे हो और इस माइक को कैमरे के साथ यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कैमरास में रखना है, और अगर आप अपने स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हो इस माइक को तो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन पे रखना है इस बटन को। और फ्रेंड्स ये जो पिन मिलती है आपको ये माइक के साथ आपको सेट कर देना है। आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे स्टील की पिन मिलती है इस तरह से, तो ये जो है आपको यहाँ पे माइक के साथ सेट कर देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हमारा माइक है ये रेडी हो चुका है और हम अभी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वॉइस को और अपनी वॉइस की क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ये माइक जो है काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, और वो आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा उसकी लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका ये जो माइक है ये अपने फ़ोन में काम नहीं कर रहा है तो आप देख सकते हैं मेरा अगला वीडियो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हो और आपकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं मिलती है आपको, तो फ्रेंड्स आपको एक बार आपके वीडियोज़ के लिए ये माइक जो है एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे जो है फ्रेंड्स आपकी वॉइस में क्वालिटी मिलेगी आपको और आपकी वीडियोस जो है वो भी आपको क्वालिटी वाइज मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप एक बार ये माइक अपने वीडियोस में ज़रूर यूज़ कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके ऑर्डर करके मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वीडियोज़ बनाते हो यूट्यूब पर तो आप इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपने वीडियोज़ के अंदर, जिसे जो है आपकी वॉइस एकदम क्वालिटी में मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आप नए हैं तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस माइक के रिगार्डिंग आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जो है ज़रूर आपको दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।